चलो, you go and have fun यार. Go then go. Don't ask me. जाओ यार please. हे फैमिली, कैसे हो आप सब? तो मैं आ चुका हूँ आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ, जो कि खुशी के ऊपर प्रैंक है. आपने इतने कमेंट कर दिए, इतने डीएम्स आ गए मेरे पास कि खुशी के ऊपर बस प्रैंक कर दो. तो भाई उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने बहुत ज़्यादा डिसीजन लिया कि मैं उस ट्रोमा को झेलने के लायक हूँ, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा. आप तो सिर्फ कॉमेंट करके भाग जाते हो. तो उसके बाद जो मेरी हालत होती है उसको मैंने देख के कि चलो मैं जितना सह सकता हूँ उतना प्रैंक करूँगा. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा कि खुशी अभी आ रहे हैं. मैंने बोला है खुशी वीडियो शूट करते हैं, तो अभी खुशी को नहीं पता. मैंने प्लान किया है कि मैं खुशी को बोलूँगा कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने एक कॉलेज फ्रेंड के साथ, जो कि इमेजिनरी एक कॉलेज फ्रेंड है जो है भी नहीं क्योंकि मैं कॉलेज ही बहुत कम गया वैसे. लेकिन खुशी को मैं यही बोलूंगा कि यार एक कॉलेज फ्रेंड है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा. तो वो खुशी के लिए आती वैसे एक सरप्राइज रहेगा कि ट्रिप पे कैसे जा रहे हैं. बस रेडी होने के लिए इसीलिए खड़ा हूँ कि थोड़ा लगना चाहिए खुशी को कि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे. अभी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है, बहुत ज्यादा काम है. और हाँ, फ्रेंड जो है वो फीमेल है तो वही सारा ट्विस्ट है यार, देखते हैं क्या होता है. मैं बचता हूँ जिंदा रहनी, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा. फिलहाल मैं जल्दी जल्दी रेडी होता हूँ, पैकिंग भी करनी है. अभी गाइस केक दिखाना है तो मैं कुछ भी भर दूंगा बैग्स में ना. इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा भरा हुआ है, पता नहीं किसका है, मुझे ये भी नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रिप के लिए रेडी हो रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कि मैं बलि का बकरा बना रहा हूँ आप लोग मुझे, और मैं रेडी हो रहा हूँ. हमें ऐसा दिखाना है कि बिल्कुल प्रॉपर ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, ऐसा लगना चाहिए. टिकट तो सामान खोल के देखेंगे नहीं. इधर क्या है, ये लॉक कर दिया. इधर से शुरू में दिखाऊंगा कि मैं ब्लॉग में आपको बुलाया है कि थोड़ा स्टार्टिंग ब्लॉग में लेने के लिए मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बोलेंगे कि मुझे बुलाया गया ट्रिप पे जा रहे हो. और भाई रिएक्शन देखने में मुझे मजा आने वाला है. वैसे मैंने भी देखा तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा, और बाद में मजा आएगा जब मैं पिटूंगा. डर नहीं लगता, तो ऐसे लगना चाहिए बिल्कुल ट्रिप पे. रुक जाओ, थोड़े बहुत कपड़े डाल लिए इसमें, एक दो और डाल ले. तो ट्रिप बताऊंगा कहाँ की यार, कहाँ बताऊँ? हाँ यही बता देना, मॉलदीव्स बताऊंगा ना. नहीं, थोड़ी कपल वाली बिल्कुल रियल लगना चाहिए यार. काफी टाइम बाद प्रैंक करूंगा. अगर ये प्रैंक सक्सेसफुल हुआ, इस प्रैंक पे अगर अच्छे लाइव व्यूज आए, तो अगला इतना खतरनाक प्रैंक करूंगा जिसमें मेरा मर्डर पक्का लिखा होगा. ऑलरेडी यार खुशी को देखते कितने मार रहे हैं, इतना तो सब डन है. देखो टाइम से कर ले. हेलो, हाँ कहाँ पहुंचे? ठीक है जल्दी आओ. डर के लग रहा है भाई मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है. ठीक है, कोई ऐसा डाउट तो नहीं रहा? डाउट वाली चीज रखी है पासपोर्ट में. सही में बैठेगा तो पासपोर्ट रेडी है पॉकेट में दिखाने के लिए. थोड़ा ऐसे दिखाना है हमें कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे ब्लॉग का टेक ले रहे हैं ना, या फिर ऐसे बैठा हुआ है ना. किसी ब्लॉग में एडिटिंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं इसमें. हां मैं उठा लेता हूं, मैं इसमें कुछ काम वैसे कर रहा हूं फ्लाइट से रिलेटेड. सो गाइस बस मैं ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ आगे जिम वीडियो नितेश भाई आ गए हैं जिम को. क्या लग रहा ट्रेन किस पे? खुशी पे. खुशी है कहाँ अभी आ रहे हैं? मैं सोच रहा जैसे पहले मैं तो रील बना रहा था, जल्दी टाइम हो गया जिम का, टाइम हो गया जिम नहीं भाई पहले वो करना है. बहुत आज मेरे साथ प्रॉब्लम होने वाला लग रहा है भाई. ट्रिप पे जा रहे हैं आप कुछ छूटे ऐसे दिखाने से तेज लग गया, अगर थोड़ा नॉर्मल लगेगा. मैं अकेला बैठा अजीब लगता सब हो सकता है. मुझे हंसी आ जाती है तुम्हारी एक्टिंग पे. ओए एक्टिंग छोड़ के चले आना, ज्यादा एक्टिंग मत करना. कंफर्टेबल चाहिए थोड़ा. मॉल से जा रहा हूं ना भाई, तो उसके लिए तो शॉर्ट्स पहन के जाओ. ओल्ड ओल्ड है यार, तो मतलब थोड़ा नॉर्मल हो गया ना थोड़ा. तो गाइस फिर हम, अरे गाइस खुशी आ गई. खुशी आ गई लो भाई. हेलो, कैसे क्या कर रहे हो? ओहो ब्लैक मैचिंग. ओहो ट्रेनिंग लव बट ठीक है. ठीक है गाइस देख लो रास्ते मिला, मैंने उठा लिया. चोर क्यों? चोर
वीडियो ब्लॉग है ना भाई बैग्स ट्रिप में जा रहे हो उसी का तो ब्लॉग है सच में थे अरे मजाक नहीं कर आपको नहीं पता मैं थोड़ी जा रहा हूँ मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ मुझे नहीं बताया ट्रिप में जा रहे हो आप मुझे तो बोला कि ब्लॉग बना रहे तो व्लॉग बना रहे पहले मेरे माइंड में था कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो पहले आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू करके फिर तो आपने मुझे फोन कॉल में मुझे कुछ नहीं मेंशन करा बना रहा आपने कि आप ट्रिप पे जा रहे हो मेरे मुझे खुद अभी पता चला ऐसे हुआ कि एकदम से प्लान बना मैं एक घंटे ट्रैफिक में जाम थी तो आपने मुझे 50 कॉल्स करी और अभी मैं अभी तो मैं बोला अभी और आपने एक बार भी मुझे मेंशन किया कि मैं ट्रिप में जा रहा हूं और एकदम से प्लान कैसे बन सकता है गाइस क्या फ्लाइट का मुझे नहीं पता मैं तो खुद ही पता चला मैं तो वीडियो बनाने गया था मैं तो छोड़ने जा रहा हूं आपने फोन कॉल में एक बार भी नहीं मेंशन करा कुणाल कि आप ट्रिप पे जा रहे हो अरे ट्रिप पे मेरा ये प्लान था एकदम से ट्रिप का प्लान बना तो मैंने सोचा कि आपको बुला लेता हूँ एक बार फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्लान बना फिर देन आप क्या ट्रिप पे कौन सा वर्क पर्पस है क्या वर्क पर्पस ऐसे ट्रिप के ऊपर बना रहा है ब्लॉग वही ब्लॉग है अरे वर्क पर्पस नहीं है मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है ना वो काफी टाइम से मुझे परेशान करती थी मैं ट्रिप पे चलो ट्रिप पे चलो और टिकट भी कर दी कौन सी कॉलेज फ्रेंड अरे है कॉलेज फ्रेंड आपको नितेश इज ही लाइक इज दिस ट्रू सही कह रहे हो कॉलेज फ्रेंड है मेरे पास लड़की नहीं हो सकती क्या मैं बताता हूं मेरे पास मैं जब जीटी में पढ़ते थे वहां के एक दोस्त हमको जस्ट अ सेकंड यहाँ पे ना बहुत प्रैक्टिकली बात कर लो आप सब लोग 3 साल हो चुके हैं ठीक है वी मेक वीडियोस टुगेदर वी नो ईच अदर एंड सिंस देन यू हैव नेवर मेंशनड अ सिंगल गर्ल जो जीटी पे नगर में मैं क्यों बिलीव करूं भाई रहती तो इनके यहाँ है आई है वो कहाँ ट्रिप के लिए आई है यहाँ पे आपने मुझे मिलवाया है कुणाल यू नो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स मुझे आपका ये ग्रुप पता है और ये लड़की आउट ऑफ सेंट यू आर लाइंग आई नो अरे मजाक नहीं कर रहा मैं सुनो मेरे पास सुनो सीरियसली अरे पता है क्या वो आउट ऑफ इंडिया रहती है तो क्या है वो अभी आई है तो एकदम से प्लान बना कि ओ भाई उसने खुद टिकट भेज दी मुझे यार अभी नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है उनके आने से बट आपने मुझे यू हैव नेवर मेंशनड हर हां मतलब मेरी ऐसी क्लोज फ्रेंड नहीं कोई सेंस है मेरा नितेश कोई सेंस है आपके कोई फ्रेंड है मुझे तो आपका एक ग्रुप पता है ना सिंगल फ्रेंड कौन सा आगे मुझे प्लान भी एकदम से बनाना क्लोज फ्रेंड नहीं थी जो मैं आपको बताता तो क्लोज फ्रेंड के साथ उसे टिकट कर दी सब कुछ बोल लगे चल ले बस मम्मा स्वेयर ये उन्होंने आपको बोल दिया और आप चल रहे हो और आप दिस इज रिडिकुलस पासपोर्ट भी उठा लिया था आई एम नॉट गेटिंग इट प्रॉपर्ली मुझे तो नहीं समझ आ रहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा अरे सुनो मेरी बात एकदम से उसकी कॉल है वो बोलते हैं कुणाल मैं ना आप हर बार बीटी कर देता हूँ कि मेरा खुद भी मन नहीं था जाने का पता है उसने इतना ज्यादा फोर्स किया ना मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा मुझे प्रैक्टिकली बात करते ठीक है प्रैक्टिकली ठीक है और आप प्लीज ब्लॉग बंद कर दो पहले वो तो उसका ट्रिप का ब्लॉग है ये ट्रिप के ब्लॉग में सब जाएगा ये सब भी जाएगा अभी हम एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे मैं नितेश वो भी आएगा लीव इट मैं मुझे प्रैक्टिकली बताओ हम कॉल्स में थे यू हैव नेवर चलो फाइन आपका ऑन द स्पॉट बन गया प्लान ठीक है आपने अभी भी नहीं बताया ऑल ऑफ अ सडन कैसे आई डू नॉट नो दिस गर्ल कुणाल मैं आज आपके से बोल दूं कुणाल कि आई एम गोइंग विद दिस पर्सन हु इज अ मेल गाय आप एक्सेप्ट करोगे पहले आप मेरे को अपनी मुझे अपनी पोजीशन में रख के देखो ना यार एक ही रीजन पड़े हुआ कि उसने मुझे फोर्स करा उसने मुझे फोर्स भाई मैंने भी सोचा कि उसने वो अब मैं कौन हूं बोलने वाली गो इंजन जो यार उसने टिकट करके दे दी फिर मैं सोचा वीड ब्लॉग्स वगैरह बना लूंगा इसमें इजी हो जाएगा मेरे लिए भी तो क्या प्रॉब्लम आ रही मैंने तो आज तक ना नहीं कहा कि भाई आप कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो आप पहली बात समझो यहां पे ए मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कहीं भी जाओ बाय आई डोंट नो दिस गर्ल आप मेरे सारे फ्रेंड ग्रुप को जानते हो आउट ऑफ नोवेयर नितेश मुझे बता रहे जीटी भी नगर का अरे You have never mentioned this girl's name in front of me ever. Go and have fun, then make your content. मैं क्या बोल सकती हूँ आपसे बिल्कुल ये भी नहीं हो पाया कि मैं सिविल लोग एक बार किसी को मेंशन कर दो कि I'm going somewhere with a girl. आपने मुझे गर्ल ही मेंशन किया राइट खुद सुबह पता चला. And it's all okay for you and nothing has changed. It doesn't make any sense to me. ठीक है आराम से क्लियर कर रहा हूँ लड़की हो रहा है आराम से बैठ के क्लियर कर लो बातें भाई तुम्हें किस टाइम बताया मैंने बताना जरा अभी This is not so done मतलब कितनी बच्चों वाली बातें कुणाल please act mature
एकदम से मैं आ रही आप मेरी जगह होते आप एक्सेप्ट कर लेते क्या देखो मेरा पासवर्ड ठीक है और मैं जा रहा हूँ जब आप इतना नहीं समझ सकते कुछ फायदा नहीं है खुशी फिर वही बात करोगे सुनो मेरी बात सुनो पहले मुझे एक बात बताओ आपको प्रॉब्लम किस चीज से मतलब मुझे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बताओ आपको प्रॉब्लम है किस चीज से मतलब मैं आपको लड़की से प्रॉब्लम है मुझे गोल से प्रॉब्लम नहीं है बट आई डोंट नो दिस गर्ल मैं आपके पास आऊं किसी बोलूं कि आउट ऑफ नोवेयर कि इस तरीके से ट्रिप पे जा रहे हो यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट देन इट्स ओके फ्यूचर मेरा मेरा मूड आपने खराब कर दिया सारा ट्रिप का यार सारे टिकट और रखे हैं सब कुछ प्लान है उसने मुझे खुद का भी बताया गो देन गो डोंट आस्क मी जाओ यार प्लीज मैं घर थोड़ी देर बाद क्या अब जल्दी चलो कैब तो कैंसिल हो जाएगी झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं जा रहा मैं कहीं पे खुशी खुश है या फिर अभी भी उदास है खुशी सैड सैड हो गए आंसू आ गए नहीं जा रहा यार कहीं छोड़ के आपको कैसी बात करता है अबे भाई अब नहीं जा रहा मेरे को गुस्सा आ रहा है बेबी प्लीज मैं इनसे बोलो सबने बोला मुझे प्रैंक करने को ये बेकार सा मैं तो करता नहीं क्या तो कैंसिल कर लेंगे चलो मेरे पूरा और आप बन भी गए आपने पूरा 2 आवर्स खराब किए मेरा अच्छा गाइस तो भाई खुद का दिमाग होना चाहिए ना कि कोई ऐसे थोड़ी करेगा पाओगे एकदम से कि मैं गुस्सा जा रहा हूं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से खुशी की टेंशन मत लो तो मैं बना लूंगा बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट प्रैंक किस पे चाहिए वो बताना कमेंट मत करना डीएम करना देख लेते हैं मैं भी कमेंट करती तभी मैं बोल रहा हूँ ठीक है ओके चलो बाय 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 कर दो बाय गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बट आई एम वेरी अपसेट बाय बाय